मथुरा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक पिता ने अपनी 11 साल की मासूम बच्ची को जहर देकर तालाब में फेंक दिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में 42 साल के पिता ने इस हत्याकांड को महज इसलिए अंजाम देना बताया कि उससे पहले 19 वर्ष का एक बेटा और 3 वर्ष और 6 वर्ष की एक बेटी है, इसलिए समाज क्या कहेगा इस डर से आरोपी पिता ने ऐसा कदम उठाया। वहीं आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना राया क्षेत्र के गांव बना के रहने वाले 42 वर्षीय सतपाल की पत्नी ने अगस्त महीने में एक बच्ची को जन्म दिया था। वहीं बच्ची अपनी मां के पास सो रही थी कि बच्ची अचानक से गायब हो गई। सतपाल ने नाटकीय तरीके से मासूम बेटी के गायब होने की शिकायत पुलिस से की और अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। वहीं 12 सितंबर को घर के पास तालाब में मासूम का शव मिला। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम की मौत किसी जहरीले पदार्थ के देने के कारण होना आया, तो पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी पिता ने पूरी वारदात को कबूल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।